बात के लड़ रहे हैं, बिना बात के, मतलब ऐसे ऐसे लोग लड़ रहे हैं जिनसे मेरी अच्छी बनती थी। सो दोस्तों, काफी दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें रजत दलाल और नितेश सोनी के बीच कोई कंट्रोवर्सी होने वाली थी, उसी के बारे में मैंने बताया था। सो रजत दलाल ने उस टाइम बोला था कि मैं नितेश सोनी को एक्सपोज करूंगा, उनके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। और तभी से आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे नितेश सोनी के पुराने पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं एक्सपोज के नाम पे। सो आज उन्होंने अपने ऊपर जो ये सब एक्सपोज वाला मैटर चल रहा है उस चीज को लेके अपनी बात कही है और उन्होंने काफी कुछ कहा है। तो चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। अगर मुझे गिराना है ना तो मेहनत करके आगे बढ़ो, मेरी साजिशें करके नहीं पार पड़ेगी। ये मेरे को हैरानी आती है, 18-18, 20-20 साल के बच्चे हैं, नितेश सोनी की टुकाई, अरे ये तमीज है बोलने की, अच्छाई होगी। अगर आज मैं आ जाऊं ना, देखो एक बात बताता हूं, आज मैं अपने वाले पे आ जाऊं ना, 2 मिनट लगते हैं। डी फेम का केस बनता है, बहुत ही प्यारा। तो बहुत कुछ लोग हैं जो गाली गलोच कर रहे हैं, मैं इतना ही बोलूंगा, जिस दिन तुम्हारी माँ बहन पे आएगी ना तो तुम्हें पता लग जाएगा माँ बहन की इज्जत क्या होती है। जब खुद की माँ बहन पे आएगी ना तो तुम्हारी आंखें ऐसी हो जाती है, मेरी माँ बहन को ऐसे कैसे बोल दिया, क्यों भाई, अगले की माँ बहन नहीं है, तुम्हारी माँ बहन स्पेशल है। करने वाला आदमी आज अपनी जिम में बैठा है, सबको तो दिख रहा है इसके, भाई 9 साल से मेहनत कर रहा हूँ, सीख, हर कोई सीखता है, हर कोई अपनी माँ के पेट से नहीं सीख के आता, सीख के ही सिखाया जाता है। पर मैटर ये करता है सीखने के बाद क्या आपको वो आदमी उसी कचरे में डाल के पैसे ले रहा है या आपको उस कचरे से बचा के आपके पैसे भी बचा रहा है। सो देखा आपने, इनडायरेक्टली उन्होंने रजत दलाल को भी इस वीडियो में रिप्लाई दे दिया और अपनी बात भी कह दी। और पुराने वीडियो जो वायरल हो रहे हैं नितेश सोनी के, सो वो तो बहुत पहले के हैं। अगर अभी कुछ नितेश सोनी गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से, तभी आपको उनको एक्सपोज करना चाहिए। या फिर आप इस मैटर में किस इंसान के साथ हो, नितेश सोनी या रजत दलाल, कमेंट में जरूर बताइएगा। Till then, जय हिंद मातरम, गुड बाय।